दतिया में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया जहां दतिया की उन्नाव बालाजी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि सरकारी काम करवा रहे थे, जिसमें बाधा डालने के इरादे से आए बदमाशों ने सरपंच प्रतिनिधि पर हमला कर दिया। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि वो सरपंच का काम करवा रहे थे, जहां तीन युवक आए और उन्होंने काम को रोक लगाने की कोशिश की। जब सरपंच प्रतिनिधि विशाल वर्मा ने उनको रोका तो उन्होंने जाति सूचक गालियां दी, साथ ही गेंती से विशाल वर्मा पर हमला कर दिया। गेंती विशाल वर्मा के पैर पर लगी, जिससे वह घायल हो गए। इस घटना को लेकर पंचायत सचिव पुलिस के पास शिकायत या आवेदन लेकर पहुंचे, जिस पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मामले की पड़ताल शुरू कर दी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बेखौफ होकर दतिया जिले में दबंगई की घटनाओं को अंजाम दे रहे बदमाशों में पुलिस का डर क्यों नहीं है। सरपंच प्रतिनिधि विशाल उनाव और उनाव और भदेरा मार्ग पर पड़िया का निर्माण हो रहा था, इस पे मनोज यादव और टोलू यादव और अमित यादव तीनों लोग आए। उनने जातिगत गालियां और उनने मारने की धमकी और गेंती उठाई, उनने गेंती से वार किया सिर पे, तो मैंने सिर बचाया तो पैर पे लग गई गेंती और काफ़ी चोट आ गई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।